हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट, जिसे इंडिया मार्ट इंटरमिश के नाम से भी आप सब बहुत सारे लोग जानते हैं। तो देखिए, उस कंपनी में कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है। गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, और एज वेल एज अगर हम बात करें उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हुई है और कुछ बुरी चीज़ें भी वहाँ पर होती हुई नज़र आई है। बुरी इन द सेंस वो आपको पता चलेगी मैं किस मतलब से कह रहा हूँ। बुरी से इन द सेंस कुछ गलत नहीं, मतलब कुछ अच्छा हुआ है कुछ बुरा हुआ है इस तरीके से। तो उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, और इंडिया मार्ट कब तक गिर सकता है, क्या हो उसमें और भी गिरावट आ सकती है या फिर उसके बाद भाग सकता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़े, बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर हम बात करें, अभी आपको हमने यहाँ पर एक वीडियो डाली है, यहाँ देख सकते हैं, एक 2 साल बाद दूसरा बोनस मिला, मतलब 2 साल में दो बार बोनस। और अगर बात करें, आपके पास अगर 100 शेयर है तो 50 शेयर आपको और कंपनी देती हुई नज़र आएगी। तो इससे रिलेटेड वीडियो है, ओके, और इसके रिजल्ट है, आपको इसका वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी हमारी अगर हम बात करें इंटरमिश की, तो इंटरमिश से रिलेटेड भी हमने एक जब इसके रिजल्ट आए थे उससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी। और अगर हम बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। यहाँ पर पहला लिंक है, अगर आप ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे जैसे दूसरी कंपनी चार्ज लेती है। और दूसरी बात, कोविड की सिचुएशन आपको पता ही है किस तरीके से इंडिया में गहरा रही है। अभी तो चलो खैरियत है कि कम केसेस आ रहे हैं, बट इसी तरीके से कम आते रहे ताकि हमारी लॉकडाउन की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डेली ब्रेड एंड बटर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग में जितने भी लोगों की हेल्प कर सके ऑब्वियसली आपको करनी चाहिए। और अगर बात करें, अगर आप पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास NGOs होंगे वहाँ पर कर दीजिए, कोई नीडी वन है उसे कर दीजिए, या फिर यहाँ पर PM केयर फंड है, यहाँ पर जाके आप डायरेक्ट इन्हें डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब इंडिया मार्ट जब रिजल्ट आए थे तो आई टोल्ड यू वन थिंग, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट इतने खास नहीं है तो ये शेयर गिर सकता है, ओके। लगभग अगर हम 5 डेज की बात करें, 8800 के आसपास ये शेयर चला करता था, और मैंने आपको बता दिया था कि ये शेयर गिरता हुआ नजर आएगा, तो ज्यादा आप इस पर बिलीव मत करिएगा, ओके। और अगर हम बात करें 1 साल में, तो 1 साल में 400% के रिटर्न इसने दिए हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न भी यहाँ पर पेश करता हुआ ये कंपनी नज़र आई है, और आपको मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं वो आपको देते हुए नज़र आया है ये शेयर इंटरमिश। और अगर बात करें 1000 रुपये से जो इसने रैली शुरू करी थी, तो इसने पीछे मुड़ के देखना अभी स्वीकार नहीं किया, अगर इस तरीके से बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये शेयर अपने लिस्टिंग टाइम से ही, देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1-2 साल ही हुए हैं, और तब से ही यहाँ पर कंटिन्यूसली एक रैली आता हुआ नजर आया। मत अब यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में इसने कंसोलिडेशन किया था, और अभी भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें नजर आएगा। तो कंसोलिडेशन एज वेल एज अगर बात करें, थोड़ा बहुत और शेयर गिरता है तो एक वैल्यू बाइंग जिसे कहते हैं ना, कि हर एक शेयर को खरीदने का एक प्राइस होता है, वो इसमें देखने को होगा, तो लोग और ज्यादा इसे खरीदते हुए नजर आएंगे। और ऊपर से इसका जो प्राइस है वो ज्यादा है, तो हर कोई एक शेयर लेना ज्यादा पसंद नहीं करता, और ऐसी मेंटेलिटी रिटेल इन्वेस्टर्स की होती भी है, आपकी भी है, मेरी भी है, और सबकी हमारी होती भी थी, और अभी भी इस तरीके की मेंटालिटी रहती है। तो ये एक प्राइस सेक्टर है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग ज़्यादा इसमें एग्रेसिव बाइंग ना करते हुए मिले। इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 17 जुलाई को 2035 का शेयर था, 5 फेब की बात करें तो 10,000 रुपये तक ये शेयर जाते हुए लगभग आज नज़र आया था। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट है, लगभग 15-20% की गिरावट है। और अगर हम बात करें आज के दिन में 50% 1,15,808 शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाते हुए नज़र आए हैं। अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 49% है, बाकी FIs, DIs, HNIs और नॉर्मल पीपल के पास है। और अगर हम बात करें, इनका रिजल्ट आया था 29th को, आपको पेश किया था मैंने आपके सामने। इंटरिम डिविडेंड की बात करें, 12 मार्च को इन्होंने डिविडेंड भी दिया है 10 रुपये का, और अगर कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। अब इंडिया मार्ट एग्जैक्टली करता क्या है, तो इंडिया मार्ट B2B बिजनेस में है। अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे इनके सेलर भी है, ओके, और इनके बहुत सारे कस्टमर्स भी है, वो भी करोड़ों में, आई थिंक 11-13 लाख करोड़ कस्टमर है, और अच्छे खासे इनके डीलर्स हैं लैक्स में। तो
आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आप मतलब बल्क में यहाँ पर सामान उठा सकते हैं, काफ़ी सारी सेगमेंट में काफ़ी सारे चीज़ों में डील करता हुआ मिलता है। एज वेल एज अगर बात करें कॉम्पिटिशन, इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा वी कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स, तो मतलब आप सीधे बायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप वहाँ पर से कोई भी चीज़ यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट से रिलेटेड, ओके उस टाइम रिजल्ट आए थे बट यहाँ पर अपडेट हो गए होंगे, तो उससे हमें रिलेटेड बात करेंगे तो और ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड लार्ज बी टू बी डिजिटल मार्केट इन द कंट्री, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा ये बी टू बी बिजनेस में यहाँ पर नज़र आता है, ओके। और ये अगर बात करें टूडे स्टैंड आउट एज अ गेम चेंजर, ओके गेम चेंजर के रूप में यहाँ पर इंडिया में ये नज़र आता है। मेक द ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर मोर एक्सेसिबल विजिबल एंड इंगेजिंग टू दैम, ओके। अगर बात करें यहाँ पर द कंपनी हैज़ बीन डाइवर्सिफाइड इट्स प्रेजेंस एंड नाउ द मेट्रो सिटीज अकाउंट फॉर ओनली 33% ऑफ द बायर, मतलब मेट्रो सिटी में लगभग 33% बायर है। अगर बात करें टीयर टू सिटीज अकाउंट्स फॉर 26% एंड रेस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट 41%। अब यहाँ पर टीयर टू जो सिटीज है वहाँ पर 26% और दूसरी जो अगर बात करें इंडिया में जो बाकी प्लेस रह जाते हैं तो वहाँ पर 41% का यहाँ पर कंपनी को रेवेन्यू होता हुआ, यहाँ पर बिजनेस होता हुआ नजर आता है। डाइवर्सिफाइड इनका प्रेजेंस है, हैव टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड रिस्क ऑन द बिजनेस, और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नियरली 60% मार्केट शेयर है, मतलब इंडिया का 60% मार्केट शेयर बी टू बी बिजनेस में इन्हीं के पास है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज़ इनके बारे में आप एक पढ़ सकते हैं, आप एक आइडिया लग जाएगा। डेट की बात करें तो कंपनी लगभग मोस्टली वर्चुअल डेट फ्री है, लगभग 4% का ही डेट है, ज़्यादा डेट नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है। अगर बात करें 39 के ROCE पे कंपनी ट्रेड कर रही है, बट अगर बात करें पी रेशो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है, बट पी रेशो कोई मायने नहीं रखता, और इंट्रेंसिक वैल्यू से लगभग दुगनी उस प्राइस पे यहाँ पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है आज की डेट में। इसके अलावा और भी कुछ बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अब भी रिजल्ट आया, तो अगर हम देखते हैं इस बार के जो रिजल्ट है वो सब में सबसे ज़्यादा है हर एक साल में। अगर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं वो भी सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है इस ईयर को छोड़ते हुए लास्ट क्वार्टर को। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो -56 करोड़ का था वो आज की डेट में 56 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें इससे पहले अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, बट वहाँ पर अदर इनकम वगैरह का इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कम। तो अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2015 से अभी तक की परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा, जो कि 176 करोड़ से 670 करोड़ तक यहाँ कंपनी पहुँच चुकी है, -40 करोड़ से 326 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुँच चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात करें -32 करोड़ के प्रॉफिट से 280 करोड़ के प्रॉफिट में ये कंपनी पहुंच चुकी है, मतलब कंपनी अपने आप को कंटिन्यूसली प्रूव करते जा रही है कि आई एम द बेस्ट। ओके अगर बात करें यहाँ रिजर्व्स की, तो बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, 1581 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास पहले मार्च की बात करें 77 करोड़ का था, इस बार क्वार्टर की ईयर की बात करें तो इन्होंने अपना डेट कम किया है और ये ना के बराबर ये देखिए इतना रिजर्व्स बढ़ा हुआ है इनके पास कि ये जब चाहे तब ये कम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट देखिए 2254 करोड़ रुपये की, तो इस बार इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी के पास। कैश इक्विवेलेंट की बात करें 78 करोड़ रुपीज़ का कैश है, टोटल एसेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो सारे कुछ यहाँ पर एकदम परफेक्ट नज़र आता है कंपनी में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अच्छी बात है कुछ बुरी बात है तो आपको दिखाई देगा। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर बात करते हैं दिसंबर में 51.98% थी, जो कि मार्च में 49.85% हो गई, लगभग कितना 2% के आसपास यहाँ पर डिक्रीमेंट आपको 2% से ज़्यादा डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जब किसी भी कंपनी में कम होती है ना, तो ऑब्वियसली बात है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अपॉन अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर में, तो इसी चीज़ को अगर बात देखा जाए तो यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आता है। बट अगर बात करती है दूसरी और अदर हैंड तो FIIs देखिए कंटिन्यूसली अगर सितंबर 2019 में 10% की थी और अभी बात करते हैं 27.53 की, अगर बात करें 24.63 से 27.53, मतलब इस क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और लगभग 3% की। DIS की बात करें थोड़ी सी इन्होंने कम करी है, बट अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर कितनी शेयर होल्डिंग है, तो अगर बात करें यहाँ पर बड़े HNIs को अगर हम निकाल देते हैं 3 4 5
मतलब 6% की हिस्सेदारी, तो 10 से 11% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास नज़र आती है, बाकी सारी हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास। और बड़े बड़े अगर बात करें, बड़े बड़े हाथों में है, रिटेल इन्वेस्ट मतलब प्रोमोटर्स के पास है, HNIs के पास है, DIIs के पास है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। तो कंपनी देखिए परफेक्ट है, बट अगर थोड़ा बहुत आपको डिप में मिलती है तो और अच्छी बात है। अगर हम एक सब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की, तो देखिए ये कंपनी जो है ये अभी चल रही है, तो अभी लगभग 42 के RSI पे कंपनी चल रही है, और मुझे क्या लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, ओके, यहाँ पर भी काफ़ी बार सपोर्ट लिया इसने, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ, मतलब बार बार इसी सपोर्ट पर एक यहाँ पर सपोर्ट लेती जा रही है, यही इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, यही इसका पिवट पॉइंट भी हमें नज़र आता है। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चली जाए, बट अगर स्टिल अगर ये ऊपर नहीं जाता तो मुझे क्या लगता है कि अगला सपोर्ट क्या होगा, तो अगला सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें 7000 तक ये शेयर आ सकता है, और अगर फिर और ज़्यादा नीचे गिरावट होती हुई नज़र आई, ओके, जो कि नहीं होगा इतना मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पर फिर ये एक लेवल बनता है 5702 रुपये का। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये शेयर अभी और गिरावट दिखाएगा, बट थोड़ा बहुत गिरावट दिखा भी सकता है, बट अगर गिरावट होती है तो वो एक चांस होगा कि आपको एक अच्छा शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखने का मौका मिल जाएगा। और अगर बात करें कितने परसेंट के गेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग अगर हम बात करते हैं तो 27% के गेन आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कुछ एक बार जब ये पूरा टाइम निकल जाएगा यहाँ पर सेलिंग, जब प्राइस जब दोबारा से बाइंग लेवल शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 27% ये कंपनी और भागती हुई नज़र आएगा, जिस तरीके से लास्ट टाइम भागती हुई नज़र आई थी। बट ये कंपनी एक साल में बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, इसलिए कंसोलिडेशन और गिरावट में और नज़र आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो थी, क्यों गिर रही है इसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, रिज़ल्ट इतने खास नहीं आए थे, जब रिज़ल्ट बताए थे मैंने आपको बताया था, शो किया था, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कंपनी आपको गिर सकती है, ओके। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए कोई भी पोजिशन बनाने से पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को कनेक्ट करें, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को हिट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। So thank you so much. God bless.